अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाइयों? ठीक हो? खैरियत है? तबीयत सही? ठीक है? देखते हैं, औलाद के साथ वेलकम करते हैं अस्करी टैन में। इधर मैंने सुना है कि टिम हार्डन भी खुल गया एक, तो वो भी फिर आप लोगों को दिखाएंगे जब टाइम मिल गया तो। ये इंजॉय करो ना, स्कूल, पार्क, और ये सामने बिल्डिंग, और ये बच्चे जो खेल रहे हैं। हमने बुलाया भी नहीं था, फिर इतनी जल्दी आ गए। क्या बोलते हो आप लोग? जा रहे हैं, जा रहे हैं, मुझे साथ लेके जा रहे हैं। ओके, हेलो, मैं नजर आ रहा हूँ आपको। धूप सामने की तरफ से है, ऊंचा नहीं बोल सकते बिल्कुल। ये अब मज़ा आ रहा है कि नहीं, अब बताओ, ये वाला सीन सही है कि नहीं? लेकिन ज़्यादा ऊंचा हम नहीं बोल सकते क्योंकि इधर आसपास घर है ना, इसलिए ऊंचा हम नहीं बोल सकते। स्कूल है सामने, कॉलेज, कॉलेज भी बोल सकते हो, स्कूल भी बोल सकते हो, एक ही बात है। लेकिन बड़ा मज़ेदार वाला है, लोग इनके जो है ना बड़े अच्छे वाले लोग हैं, वे इधर स्कूल पढ़ते हैं। लोगों को ये खड़ा हूँ यार, ये इधर ही हूँ मैं, मैंने किधर जाना है, मैं इधर ही हूँ आप लोगों के साथ। इस साइड पर सूरज आ रहा है ना सामने से, मैं आप लोगों को नहीं दिख सकूँगा, तो इसमें जाएंगे फिर वापसी पे, वापसी पे इसमें जाएंगे। चलो एंजॉय करो, रोटी रोटी खाते हैं, फिर मिलते हैं आपके साथ बाद में। आ जा भाई, आ जा, बुलाया तो है, अब देखते हैं कब तक आ जाता है। आ गया मेरा दोस्त, आ गया मेरा दोस्त, आ गया। हमने जाना है जी, जी ग्राउंड, ग्राउंड फ्लोर में हमने जाना है। मैं काला काला नजर आ रहा हूँ ना, क्योंकि मैं खुद काला हूँ, इसलिए मैं काला काला नजर आ रहा हूँ। हंसना नहीं है आप लोगों ने बिल्कुल, मजाक अलाउ नहीं है। ये बात, ये हुई ना बात। इधर तो मैंने एक बात देख ली कि इधर के लोग जो है ना बड़े वेले हैं, घूम रहे हैं बस, वैसे ही फारे घूम रहे हैं। आहो बहुत ही, ओहो हट हट हट। पहले हम उधर ऊपर खड़े थे, अब हम इधर नीचे आ गए। ओ उधर नज़र आ रहा था आप लोग, पहले हम उधर थे, अब हम इधर आ गए। और जी आप लोगों की तबीयत ये ठीक है? कैसे हो? कोई नवी ताज़ी सुनाओ यार, माहौल कैसे है पाकिस्तान का? मतलब ये जगह भी ठीक है, जलाल सन्ज है, और भी जितनी वो है ना, फार्मेसी भी है, अस्करी बैंक भी है, और इधर भी कुछ दुकानें शुकान हैं छोटे मोटे, जो आप ज़रूरत के सामान इधर से ले सकते हो, जो भी आपकी छोटी मोटी ज़रूरत है ना वो आप इधर से पूरे कर सकते हो। छोटा सा मार्केट है इधर। इधर वालों के कैसे स्कूल होते हैं? हम तो 12 बजे बड़ी मुश्किल तक रुकते थे स्कूल से ना, 12 बजे तक नहीं बल्कि 10 बजे तक भी बड़ी मुश्किल से रुकते थे। इधर वाले भाई जाते ही नहीं है घर को, समझ ही नहीं आ रहा कैसे बंदे हैं यार। हम तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक स्कूल रुक जाते थे, वो भी बड़ी मुश्किल से, वो भी हमारी मेहरबानी होती थी जो 10 बजे तक स्कूल में रुक जाते थे, वरना स्कूल में जो है ना बहुत कम रुकते थे हम। मतलब कि हमारे स्कूल में एक काम और भी होता था ना,
उधर तो टीचरे लंबे लंबे डंडे जो होते थे ना उससे मारना शुरू कर देते थे सुबह, और 10 बजे तक खूब पिटाई होती थी। तो इसलिए जो है ना हमारा दिल नहीं लगता था उधर स्कूल में। और इधर वालों का एक चीज़ मैंने देख लिया, इधर ये चीज़ नहीं है। इधर भाई म्यूज़िक है, दोस्त है, लड़कियां है, तो इसलिए ये जो है ना लोग खुश हैं इधर। अगर हमारे पास लड़की होती ना हम रात को भी नहीं आते स्कूल से, लेकिन हमारे साथ लड़कियां नहीं होती। और इधर के लोग जो है ना इनके कोई और काम भी नहीं होते, हमारे और काम भी बहुत होते थे ना स्कूल के साथ साथ, और काम भी बहुत होते थे, बहुत ज़्यादा हमारे। इन लोग तो कोई और काम नहीं होते, ये बात। और हम तो फिर सिर्फ पढ़ाई करते हैं ना, ये लोग तो शुगल मेला भी करते हैं। शुगल मेला होना चाहिए, शुगल मेला ना हो तो फिर बंदे से पढ़ाई नहीं होती। शुगल मेला नहीं करोगे तो फिर पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा आपको। इसलिए जो है ना बाबा चौकीदार भी घूम रहा है हिफाजत के लिए, ऐसी बात नहीं है। हिफाजत करोगे तो पढ़ाई कर सकोगे ना, हिफाजत नहीं होगी तो किस चीज़ की पढ़ाई करोगे। इसलिए वो बाबा जो है ना पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई नहीं बाबा हिफाजत कर रहा है, लोग पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ अभी उधर छाँव में बैठ रहा है, मज़े कर रहा है। इधर का लाइट भी तोड़ा हुआ है सालों ने, क्योंकि लाइट से जो है ना रोशनी आती है, और रोशनी सेहत के लिए सही नहीं होती, ख़ास करके इनके सेहत के लिए, इसलिए इन्होंने लाइट तोड़ा हुआ है। वैसे ये वाला सीन आप लोगों को किस तरह लग रहा है, ये वाला फिर ये वाला, ये सही है। इन्होंने कुछ पेंटिंग है लेकिन पता नहीं क्या लिखा है, कुछ लिखा हुआ है लेकिन पता नहीं क्या लिखा हुआ है। इधर पढ़ के सुनाएंगे फिर क्या लिखा हुआ है इन्होंने। इनके लिए ये भी बनाया हुआ है, जिधर वर्जिश वर्जिश करनी हो ना तो वो कर सकते हैं, इधर एक्सरसाइज वगैरह ये कर सकते हैं इधर, जिसने करनी हो। ये सामने गेट है स्कूल का, वो चौकीदार मामा बैठा है, खुश है बड़ा। अब समझ आया चौकीदार मामा इसलिए खड़ा है कि लड़कों को इधर जो है ना रोक सकता है, इधर लड़के नहीं आने पाए इसलिए उनको जो है ना इसलिए खड़ा है उधर कि लड़की उधर स्कूल में रही है, इधर के लिए नहीं छोड़ता, कह रहे उधर ही रहो भाई, इधर नहीं आना आप लोगों ने। किस तरह खुश बैठी है चौकीदार वाली, देख क्यों मिल रही है, गंदी मक्खी है। इधर देख, मैंने इनको बोला मुझे देख, मेरी तरफ नहीं देख रही है। हाँ जी, तो कैसे लगी आप लोगों को स्कूल की, और साथ में मेरे भी।